हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने NH Point YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भील आंदोलन की। जो अब तक भील आंदोलन हुए हैं उनकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है ले लेते हैं 1632 का भील विद्रोह। 1632 के समय भारत में मुगल सत्ता स्थापित थी। उस दौरान प्रमुख रूप से भीलों ने मुगलों का विरोध किया। और अगला है 1643 में। 1632 के बाद भील और गोंड जनजाति ने मिलकर मुगलों के खिलाफ 1643 में विद्रोह किया। 1857 के पूर्व भीलों के दो अलग अलग विद्रोह हुए। महाराष्ट्र के खानदेश में भील काफी संख्या में निवास करते थे। इसके अतिरिक्त उत्तर में विंध्य से लेकर दक्षिण में पश्चिम में सह्याद्री एवं पश्चिम घाट क्षेत्र में भील बस्ती यहाँ देखी जा सकती है। 1816 में पिंडारिया के दबाव से ये लोग पहाड़ियों पर विस्थापित होने की पिंडारियों ने उनके साथ मुसलमान भीलों के सहयोग से कुरतापूर्ण व्यवहार किया। इसके अतिरिक्त सामंती अत्याचारों ने भी भीलों को विद्रोही बना दिया। 1818 में खानदेश पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित होने के साथ ही भीलों का अंग्रेजों से संघर्ष शुरू हो गया। कैप्टन बिग्स ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भीलों के पहाड़ी गांवों की ओर से जाने वाले मार्गों को अंग्रेजी सेना ने सील कर दिया जिससे उन्हें रसद मिलना कठिन। सिटन ने भील नेताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और उन्हें उनके प्रयास की रियासतों का आश्वासन दिया। पुलिस में भर्ती होने पर अच्छे वेतन दिए जाने की घोषणा की किंतु अधिकांश लोग अंग्रेजों के विरुद्ध बने रहे। 1819 में पुनः विद्रोह कर भीलों ने पहाड़ियां चौकियों पर नियंत्रण स्थापित किया। अंग्रेजों ने भील विद्रोह को कुचलने के लिए सतमाला पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नेताओं को पकड़कर फांसी दे दी किंतु जन सामान्य की भीलों के प्रति सहानुभूति थी इस तरह उनका दमन नहीं किया जा सका। 1820 में भील सरदार दशरथ ने कंपनी के विरुद्ध उपद्रव शुरू कर दिया। पिंडारी सरदार शेख दुल्ला ने इस विद्रोह में भीलों का साथ दिया। मेजर मोटिन को इस उपद्रव को दबाने के लिए नियुक्त किया गया। उनकी कठोर कार्रवाई से कुछ भील सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1822 में भील नेता हरिया भील ने लूटपाट द्वारा आतंक मचाया। अंत 1823 में कर्नल रॉबिन्स को विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया। उसने बस्तियों में आग लगवा दी और लोगों को पकड़ पकड़ कर कुर्ता से मारा। 1824 में मराठा सरदार त्रिवेंग के भतीजे गोडाजी दगलिया ने सतारा के राजा को बगलाना के भीलों के सहयोग से मराठा राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आह्वान किया। भीलों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया एवं अंग्रेज सेना से भिड़ गए तथा कंपनी सेना को रोककर मुरलीहर के पहाड़ी किले पर उत्तराधिकारी कर लिया। परंतु कंपनी की बड़ी बटालियन आने पर भीलों को पहाड़ी इलाकों में जाकर शरण लेनी पड़ी। तथापि भीलों ने हार नहीं मानी और पेड़िया बुंदी सूतो आदि भील सरदार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट आउटरम कैप्टन रिंगबी एवं ओवसन ने समझा बुझाकर तथा भेद नीति का विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। आउटरम के प्रयासों से उन अनेक भील अंग्रेज सेना में भर्ती हो गए और कुछ शांतिपूर्ण ढंग से खेती करने लगे। उन्हें तका भी ऋण दिलाने का आश्वासन दिया। भील विद्रोह पर रविंद्रनाथ की बहन श्रवण कुमारी ने विद्रोह का उपन्यास की रचना की है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारियां कैसी लगी कॉमेंट में जरूर लिखना। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही समाज से रिलेटेड ऐतिहासिक रोचक जानकारियां इस YouTube चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए NH Point YouTube चैनल को। धन्यवाद।